तो अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं, महाकाली क्लब वर्सेस सागर बॉयज, ये मुकाबला चलते हुए दो दो मुकाबले देखे थे, काफी नेल बेटिंग मुकाबले रहे हैं, काफी रोमांचक मुकाबले रहे हैं। और इस मुकाबले तरफ आज के इस दिन का पांचवा मुकाबला यहां पे चलता हुआ, दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज केसर सिंह और लक्ष्मण, ये दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज। और पहले ओवर की शुरुआत करेंगे, पहले ओवर का तरफ थे जोधराज सिंह, ये शुरुआत करेंगे बॉलिंग की। और जैसे पिछले चार मुकाबले घटे हैं, जिस तरह से अब तक का रन चेसिंग नहीं बन रही है, लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत कम टीमें दिखाई दी है। ऑन साइड पे पहले गेंद को खेलते हुए पाइन लग की तरफ जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग का यहाँ पे नजारा दिखाते हुए एक रन यहाँ पे जोड़ते हुए, एक रन से शुरुआत की है केसर सिंह ने। और जैसा पिछला मुकाबला देखा था 58 रन का जो पीछा कर रही थी, एक समय तो लगा था शायद ये राजस्थान रॉयल की टीम आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर पाएंगी, लेकिन बीच में कुछ कहानी अलग घटी और उस कहानी के बदौलत राजस्थान रॉयल को इस मुकाबले से हार कर बाहर जाना होगा। और चलते फिर एक बार इस मुकाबले की तरफ, एक्स्ट्रा कवर रीजन में जाती हुई गेंद, दो रन आसानी से यहाँ पे जोड़ते हुए। यानी प्रशांत जी, जैसे हमेशा आप भी कहते हैं ना कि जीत के पहले जीत और हार के पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए, एक तरफ राजस्थान रॉयल जीत की तरफ जा रही थी, उन्होंने एक सांस तो ली, लंबी सांस ली, इसलिए मैंने कहा था बीच में थोड़ा सा वक्त गया था, थोड़ा समय गया था, वो समय से अच्छा वाला जो समय था वो गुजर गया था राजस्थान रॉयल के लिए। बिल्कुल, इसके बाद में जो मुकाबला, उस मुकाबले के बारे में भी, और ये विकेट भी गिरा है तो थोड़ा सा समय हमें मिलेगा। नाडा रॉयल और राजस्थान रॉयल के जो खिलाड़ी है, हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, कॉम्बॉस की लेफ्ट साइड की तरफ, मंच की तरफ आना है। नाडा रॉयल, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज आप हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आइए। और राजस्थान रॉयल शुक्रिया। मैं इस वक्त नारायण को देख रहा हूं जो मिड विकेट पर खड़े, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर बॉयज ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है, महाकाली क्लब की टीम भी संतुलित टीम है, लेकिन आएगा मजा तो करम सर इस मैच में मजा आया। तो मेरे हिसाब से भरत राजपुरोहित भी जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार फिर थोड़ा उनकी तरफ भी जाएंगे। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इस ओवर की अगली गेंद रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हुए खिलाड़ी दायरे के अंदर रही है, गेंद एक बार फिर जाते हुए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, विकेट कीपर गेंद की तरफ जा रहे हैं। रन संख्या फिलहाल देखिए तो पहले ओवर का खेल जारी है, चार रन एक विकेट के नुकसान पर यह क्रुशियल ओवर रहेगा। राजसमंद रॉयल आपके लिए आखिरी कॉल है, प्लीज हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आइए, कॉम्बॉक्स की लेफ्ट साइड पर राजसमंद रॉयल। और ये उठा के खेला है 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार केसर सिंह के बल्ले से ये सीधा निकला हुआ छक्का और 6 रन का अंक। खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बन गया, एक बार फिर बल्लेबाज की तरफ से केसर सिंह की तरफ से यह खूबसूरत छक्का आता हुआ, मैग्निफिसेंट बैटिंग, सही वक्त पर इनका बल्ला बन रहा है। फिलहाल स्कोर 10 रन। ओवर की बात करें तो जोधराज सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, जोधराज की बात करते ये भी क्षमता वाले खिलाड़ी है मैदान के अंदर, लेकिन यहाँ इस ओवर में केसर के बल्ले से ये जबरदस्त स्ट्रोक आया, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। राजसमंद रॉयल, मैं आपको विनती कर रहा हूं प्लीज आइए राजसमंद रॉयल, उसके बाद में बजरंग दल ठाणे वॉरियर्स, आप भी रेडी रहे। गेंदबाजी करने के लिए जोधराज तक गया, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज है केसर सिंह अपने साथ पर बल्लेबाजी करते हुए, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, क्षमता तो है इनके पास, छक्का आने के बाद सही ठिकाने पर गेंदबाजी करते हुए। और पहले ओवर का खेल आखिरी गेंद पर बिंदी, रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन एक विकेट के नुकसान पर सफल ओवर समाप्त हुआ। देखते रहे, सुनते रहे एचआरपीएल सीजन 3, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं, यू गए और यू आए।
शुक्रिया दीजिए। राजसमंद रॉयल, मैं आपको विनती कर रहा हूँ, प्लीज आइए। राजसमंद रॉयल, नाना रॉयल के जो खिलाड़ी वो पहुंच चुके हैं लेफ्ट साइड पर, ये आपके लिए आखिरी कॉल है। राजसमंद रॉयल आफ्टर वन ओवर ना स्कोर 10 प्लस अप वन विकेट, बैट्समैन डिपार्ट लक्ष्मण एंड न्यू मैन इन नरेंद्र एंड वेरी गुड बैटिंग बाय केसर सिंह इज प्लेइंग ऑन 7। पहले ओवर का खेल तुकाराम से समाप्त हुआ रन संख्या 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। और दूसरे ओवर की शुरुआत, गेंदबाज आ रहे हैं सागर, पहले गेंद पे थोड़ा सा खेलने की कोशिश थी तो बड़ा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पे एक रन जोड़ते हुए। और जैसे हमने सुबह के सत्र में जैसे कहा था प्रशांत जी, जैसे चमचमाती धूप खेलेगी ना वैसे रन भी आते जाएंगे। पिछले मुकाबले में आपने 57 रन देखे थे, इस मुकाबले में जो शुरुआत हुई जिस तरह से पहले ओवर घटा है, पहले ओवर का खेल खत्म हुआ है, 10 रन तक यहाँ पे पहुंची है टीम महाकाली क्लब खेल रही है, तो उनका अंदाज तो वही है कि 60 के पार जाना है। पीछे के कट के उतनी जगह नहीं थी, बैठ के निचले के कने में लगती हुई गेंद गली क्षेत्र में जाती हुई एक रन फिर एक बार अर्जित करते हुए एक बार जोड़ते हुए। ये जो शुरुआती दौर है इस HRPL का, ये शुरुआती दौर है, जैसे जैसे ये दूसरे पड़ाव पे जाएगी, तीसरे पड़ाव पे जाएगी ना, तो और मजा आएगा और खिलाड़ी जरूर देखने को मिलेंगे और निखर के आएंगे। जिस तरह से मुकाबला है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है जब आप जीतते जाते हैं। बैक पर ब्रॉन्सर की तरफ खेलना चाहते थे इस बार, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। गेंद शरीर को लगी है क्या, एक बार हाथ को लगी है देखने वाली बात है, लेकिन इस बार जोरदार अपील की गई थी। रन संख्या फिलहाल कर देखिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त महाकाली क्लब की टीम, सागर बॉयज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और कप्तान के ऊपर भी निगाह रहेगी किस सोच के साथ कप्तानी करते हैं। अगली गेंद के साथ ऑन साइड पर इस बार शॉट को खेला, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं, विकेट कीपर कहां कहां भाग रहे हैं। पहले तो मैंने इनको देखा था एक्स्ट्रा कवर शॉट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ चले गए थे, उसके बाद में ये शॉट स्क्वायर की तरफ आ रहे हैं। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग मैदान के अंदर। रन संख्या फिलहाल रन संख्या 13 रन 13 ऑन द बोर्ड। और प्रशांत जी, हमेशा विकेट कीपर जो रहता है ना, जो विकेट कीपर वो अपने टीम की एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला रहता है। जिस तरह से दौड़ लगाई थी, जैसे हमेशा आप कहते हैं चीटे की दौड़, वो दौड़ लगाई थी स्क्वायर लेग की तरफ कि दूसरा रन न जाए, तो एक एनर्जी लेवल ऊपर लाने की कोशिश करते भी है ये खिलाड़ी। ओ लाउड अपील किया है, अपील तो लाउड है लेकिन अंपायर की तरफ देखते हैं तो वाइड का इशारा, ये कुछ अलग। कीपर ने तो ये इसमें क्या था, आवाज ज्यादा थी विश्वास कम था, इस अपील में विश्वास कम था। विश्वास एक बार फिर जताना बहुत जरूरी है, जिस तरह से ये सारी चीजें होती रहेगी, अपील तो ये करते रहेंगे लेकिन अंपायर भी एक्सपीरियंस के अंपायर है मैदान के अंदर। इस बार उत्साह ज्यादा था, आत्मविश्वास कम, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। रक्षात्मक स्ट्रोक, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज सागर द्वारा, ये इनकी ताकत है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी मैदान के अंदर है। सागर बॉयज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे, तो स्कोर बना हुआ 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। महाकाली क्लब की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, केसर सिंह अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। अगली गेंद के साथ ज्यादा पीछे चले जाते हुए एक बार फिर वो परेशानी है, एक बार फिर अपील करते हुए, बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन अपील करना तो इनका काम है, अंपायर भी अपना काम कर रहे हैं, बल्लेबाज अपना काम कर रहे हैं। पिक्चर सुपर हिट होता हुआ इस टूर्नामेंट का, HRPL सीजन की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त ये टूर्नामेंट है। दो मैचेस की बात और पिछले दो मैचेस सुपर हिट हुए हैं। आफ्टर टू ओवर नाउ स्कोर 14 प्लस अप वन विकेट, बैट्समैन आउट लक्ष्मण, और एक बार फिर श्री की तरफ चलेंगे, एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, यशवंत को मौका मिला है, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, नरेंद्र ऑन स्ट्राइक, लेक्सम के बाहर गेंद है बहुत तेजी के साथ, पीछे खिलाड़ी भी है वहां जा रही है, लाइन बहुत खराब थी, व्हाइट बॉल का इशारा, बाइस का इशारा, बहुत सारी एक्शन रिएक्शन में मैदान के अंदर देख रहा, रफ्तार तो है इनके पास लेकिन नियंत्रण नहीं है, उसका फायदा बिल्कुल मिलता, लेकिन सही जगह पर खिलाड़ी पीछे कवर करने के लिए
अगर वो नहीं होते तो और ज्यादा रन जाते और यकीन है ना और रन जाते। और आपने कहा जिक्र किया रफ्तार का, आपके रफ्तार के साथ आपको लाइन लेंथ अभी मेंटेन रखनी होगी तब आप कारगर साबित हैं। ये फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, आपके पास रफ्तार है जैसे जिंदगी में कहते हैं ना, रफ्तार के साथ आपको दिशा का भी ध्यान रखना होगा। जिस दिशा आपको गेंदबाजी करी, जिस लाइन से आपको गेंदबाजी करनी है ना, उस गेंदबाज लाइन को भी आपको देखना होगा, वरना जो जो नतीजा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस तरह का नतीजा सामने आएगा। पहले ओवर की तरफ देखते हैं तो 10 रन गए थे, दूसरा ओवर काफी अच्छा घटा था। इस बार उठाए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, खराब फील्डिंग का यहाँ नजारा दिखता हुआ। 2 रन यहाँ पे अर्जित करते हुए 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 19 की तरफ। प्रशांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, देखो आप देखिए कि पहले ओवर के बाद दूसरा ओवर जब अच्छा घटा था, तीसरे ओवर में जिम्मेदारी बड़ी थी, जिम्मेदारी बड़ी है, उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए इस गेंदबाज यशवंत के। प्रशांत जी जिस तरह से रफ्तार के ऊपर वो सवार होना चाहते हैं तो वह एक बार फिर इनके लेंथ लाइन थोड़ी ऑफ स्टंप के आसपास होनी चाहिए। मिडिल लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, इसीलिए देखिए एक बार फिर काफी जो गेंद इनकी थी लेग स्टंप के बाहर जाते भी। बिना स्कोर की तरफ जाएंगे, स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बढ़िया गेंद, ये लाइन देखिए, इसका मैं जिक्र कर रहा था कि टिप्पा आपका अगर चौथे पांचवें स्टंप की तरफ होगा, गुड्डे स्पर पर टिप्पा होगा या 2 मीटर के अंदर आप गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल फायदा होगा। और ये कहानी देखिए टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखी है, ओडीआई क्रिकेट में भी इसी तरह से होता है, 2020 क्रिकेट में, अगर ये टेनिस क्रिकेट है तो टेनिस क्रिकेट में भी ये लाइन एक बार फिर परेशानी पैदा करती है बल्लेबाजों के लिए। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज यशवंत तैयार है। अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी, लुक एट दिस पिचिंग आउट ऑफ द ऑफस्टंप, बैट्समैन कमिंग ऑन टू द फ्रंट फुट लुकिंग फॉर द बिग शॉट, बीटिंग कंप्लीटली, बॉल गोइंग बियॉन्ड द विकेट एंड दे कैन बी नो रन, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, बहुत अच्छी कमबैक मैं समझ सकता हूँ। दूसरी जो 2-3 गेंदों की बात करें, पहले जो कि शुरुआत इन्होंने की थी लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी की थी, अब इनकी गाड़ी पटरी पर आती भी, रन संख्या 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल दबाव तो बढ़ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी इस गेम में गेंदबाजी होनी चाहिए। जैसे प्रशांत जी आपने जिक्र किया था कि आपको इस टेनिस क्रिकेट के लिए ये लाइन एंड लेंथ आपको मेंटेन रखनी, इस लाइन और लेंथ पे आपको गेंदबाजी हो रही है, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। आपने डॉट गेंदे खेली है लेकिन इसका दबाव बल्लेबाज के ऊपर जरूर आएगा। बिल्कुल एक एक ठिकाने पे गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज को एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद, ओ बहुत तेज रफ्तार की गेंद, आंसर की तरफ खेलना चाहते थे, फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, अतिरिक्त गेंद तेज रफ्तार की थी, तेज तर्रार गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज यशवंत द्वारा। लगातार 4 गेंदें बिंदी गेंदें आई है, 4 ओवर की बात करें या 3 ओवर की बात है तो 3 ओवर का खेल समाप्त होता था, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए महाकाली क्लब की टीम। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते सागर बॉयज के लिए बहुत ही अच्छा ओवर। शुक्रिया डीजे हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई और हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत युवा सेना मुंबई की तरफ से HRPL सीजन 3 आप देख रहे हैं। जोधराज प्रभु गेंदबाज है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। एक तरफ बल्लेबाजों के लिए देखिए केसर सिंह और नरेंद्र दोनों बल्लेबाज डटे हुए। केसर सिंह की अगर बात करें तो वह प्रारंभिक बल्लेबाज है, शुरुआत धमाकेदार की थी लेकिन पिछले ओवर में यशवंत ने क्या कमाल की गेंदबाजी की। अगली गेंद और फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 21। पहले बल्लेबाजी करते हुए महाकाली क्लब सागर बॉयज की तरफ से जोधराज गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाज 1 रन पर केसर सिंह। एक अच्छी पारी बिल्कुल कर रहे, थोड़ी रफ्तार बेहतर करनी चाहिए, स्ट्राइक रेट अच्छा करना चाहिए, नरेंद्र ने ज्यादा बिंदी गेंद खेली है और एक गेंद को ऑन सर्व की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच पवित्र रिश्ता नहीं बना पा रहे तो यह समस्या बढ़ती हुई। जोधराज के हैट्रिक के लिए 1100 रुपए का इनाम है टीम के ओनर की तरफ से, मोहन सिंह इनकी तरफ से, बिल्कुल ये 1100 रुपए का इनाम है, हैट्रिक के लिए इनाम आया है। ओहो सुंदर गेंदबाजी, दोनों तरफ से गेंदबाज आग उगल रहे, बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए संघर्ष जारी है
और एक बार फिर मैच में जान डालते हुए गेंदबाज सुंदर गेंदबाज। इस ओवर में देखिए रन नहीं बन रहा, पिछले ओवर में रन नहीं बने, रन संख्या 21 एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बिल्कुल दोनों ओवर में रन नहीं बन रहे हैं और बल्लेबाज काफी परेशानी में, यहाँ पे उस परेशानी में एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन यहाँ पे जोड़ते हुए। और पिछले 8 और 9 गेंदे आप देखते हैं तो एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं है, बड़ा स्ट्रोक तो छोड़िए एक सिंगल रन भी नहीं आ रहा है, यानी जिसे कहते हैं ना कि आपको जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स भी आपके ठीक नहीं है, आपको सिंगल डबल रन आपको लेने हैं, स्कोरबोर्ड को आपको चलाना है, उस स्कोरबोर्ड को आपको चलाने में नाकामयाब। स्कोरबोर्ड को चलाने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन फिर यहाँ पे बाउंड्री लाइन को छूता हुआ नारायण यहां से कुछ कम देते हुए। जहां तक प्रशांत जी बल्लेबाजों को शायद 7 मिली इस फील्डर की, एक बात है और जो ऐड करना चाहता हूँ, मिड विकेट पर जो खिलाड़ी नारायण के पास कितनी गेंद आए, एक ही गेंद आई है तो वो थोड़ी समस्या रहती है, अगर आप बिजी रहते हैं ना तो एक बार फिर पूरी तरह से अलर्ट होते हैं, तो एक ही गेंद आई है वहां थोड़ी सी परेशानी हुई है, थोड़ा शरीर का कंट्रोल नहीं रख पाए। अगली गेंद स्ट्रोक अच्छा है, मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ थोड़ा सा जाता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, सुंदर बहुत ही सुंदर शानदार फील्डिंग मोती द्वारा, मोती कमाल के खिलाड़ी मैं जानता हूं इनको, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन नारायण। यहां अगर देखें तो सागर बॉयज के पास 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं इनके ऊपर निगाह रहेगी, एक तो जोधराज, यशवंत, एक नरपत, एक बार फिर रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 30 रन 30 ऑन द बोर्ड, 29 ऑन द बोर्ड, 29 रन बने हैं। और इस दो गेंदों की कहानी देखें तो दो गेंदों में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाजों की तरफ से हुई है। महाकाली क्लब को एक बार फिर रनों की जरूरत है क्योंकि इस बार रनों के भूख को बुढ़ाना होगा, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है। सागर की तरफ से अगर देखें तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज यशवंत, इस ऊपर की अगली गेंद अपर कट, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद तटमैन बाउंड्री की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, देवा ने गेंद को रोक लिया, सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, 4-5 ऐसे खिलाड़ी है दूसरी पारी में जब आएंगे तो मजा आएगा। फिलहाल स्कोर की बात करें तो रन संख्या 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। और प्रशांत जी उसी बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको रन बनाने होंगे, आपको 50 से ऊपर रन बनाने होंगे तब आप इस टीम के खिलाफ शायद अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे सागर बॉयज। और आपने जैसे कहा ना 4-5 खिलाड़ी ऐसे है जिनके ऊपर निगाहें रहेगी, इनके ऊपर ध्यान रहेगा, डीबीएन लाइव का कैमरा भी उनकी तरफ जरूर जाएगा। लेकिन फिलहाल में महाकाली क्लब को क्या करना है, बल्लेबाज को क्या करना है, नरेंद्र है वहां पे और जो सलामी बल्लेबाज आए थे केसर सिंह अब तक अच्छा कर पाए थे, इनको उनको थोड़ा सा गेम को थोड़ा सा ऊपर लाना होगा, थोड़ा सा अपना गियर जैसे है ना गियर को चेंज करना होगा, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे तब आप 50 की तरफ पहुंच पाएंगे। बिल्कुल एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे और खास करके यशवंत जैसे जो पहले बने हुए गेंदबाज है उस पहले को जल्दी सुधारने की जरूरत है। यत्रो अच्छा था लेकिन 2 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए पिछले ओवर में यशवंत ने ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर की कहानी देखें तो इस ओवर में भी अगर देखें तो रन ज्यादा नहीं आ रहे, तो यशवंत पहले बने हुए उस पहले को जल्दी सुलझाना होगा बल्लेबाजों को, तब जाकर रन बनेंगे। नरेंद्र और केसर दोनों सेट बल्लेबाज है इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट कीपर मुझे लग रहा है ज्यादा आगे खड़े हैं, जिस रफ्तार के साथ गेंद पीछे जा रही है आपने सही कहा जैसे धूप खिलेगी उछाल ज्यादा होगा, विकेट बहुत अच्छी जो कि एक बार फिर मदद करेगी गेंदबाज, सही ठिकाने में जब गेंदबाजी हो रही है तो मदद मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मदद तो मिलेगी विकेट से, जिस तरह से रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं यशवंत उससे एक उछाल मिल रहा है, एक गुड लेंथ स्पॉट पे आप जब गेंदबाजी करते हो तो यकीनन आपको इसका फायदा होगा। फिर एक बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, यहाँ पे शफल किया था अंदर गए थे लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। यशवंत फिर एक बार जलवा जिस तरह से गेंदबाजी की थी तीसरे ओवर में उसी तरह की गेंदबाजी इस पांचवें ओवर में करते हुए कुल रन संख्या जा पहुंची है 33-33 पर। अब तक 7 गेंदों का खेल शेष है प्रशांत जी और 7 में शायद 10-12-15 जितने बने उतने बनने चाहिए। फिर एक बार ऑन साइड में खेला गेंद लेकिन मोती कहां छोड़ने वाले, जैसे आपने कहा ना ये खिलाड़ी के ऊपर निगाह रही, ये कहां छोड़ने वाले हैं, इन्होंने तो लपक लिया कैच को और वापिस जाना होगा केसर सिंह को। केसर सिंह आउट होते हुए कुल रन संख्या 5 ओवर की समाप्ति के बाद जहां पहुंची है 33 रन 33 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रशांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से शुरुआत हुई 10 से शुरुआत हुई 4 दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर की कहानी अलग थी,
छह रन बने थे चौथे ओवर में, नौ और पिछला जो ओवर घटा है इस ओवर में तो सिर्फ चार रन बने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉलिंग एनालिसिस, जिस तरह से बॉलिंग एनालिसिस की बात करें तो सुंदर गेंदबाजी यशवंत द्वारा। बॉलिंग एनालिसिस देखिए, टू ओवर 10 रन एंड टेकन इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ केसर सिंह, जबरदस्त गेंदबाजी रही यशवंत द्वारा। छह गेंदों का खेल शेष है और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अर्जुन आए हैं और नारायण गेंदबाजी करेंगे। अर्जुन का निशाना एक बार फिर सही होना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार नारायण, क्लीन बॉल, अर्जुन का निशाना नहीं, इस बार नारायण का निशाना देखिए सही ठिकाने में है, चारों खाने चित करते हुए विकेट गिरता हुआ मधुर से गेंदबाज तब गोम सफलता मिली है। शुक्रिया डी से, पहले तो मोती के ऊपर चर्चा करूंगा, तुकाराम सर एक अनमोल मोती है वहां, बहुत अच्छी फील्डिंग उनके बाद एक बार फिर नारायण ध्रुव का पत्ता है। सबसे बड़ी बात सागर बॉयज के पास चार गेंदबाज है जो एक बार फिर रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, गेम चेंजर खिलाड़ी, सुंदर गेंदबाजी की। उसके बाद में आप देखिए महाकाली के पास, अभी आपके पास देखिए पांच गेंदे हैं तो पांच गेंदों में कम से कम 10-12 रन बनाएंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा और अपने खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा जो गेंदबाज है उनके लिए। अगले गेंद खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है मिड ऑन की तरफ, जब तक आ जाते मोती रन की कोई गुंजाइश नहीं। आपने सही कहा, यह अनमोल मोती है, जैसे हमेशा कहते हैं ना कि सारे साथे काम के सबका अपना मोल, और जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल, यह अनमोल मोती है। अच्छा जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैदान के अंदर अनमोल मोती, मोती बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नारायण गुमराह कर रहे हैं मैदान के अंदर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। दो गेंदों पर ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, मानसिंह नए बल्लेबाज है, इस बार गेंद बल्ले के ऊपर ही नहीं आ रही है, वो समस्या रही है आज महाकाली क्लब के लिए। शुरुआत इतनी अच्छी की थी, उसके बाद में चार रन आए, छह रन आए, नौ रन आए और उसके बाद में एक बार फिर ज्यादा खुलकर खेलने का मौका दिया, चार रन आए। इस ओवर की कहानी देखे तो केवल तीन रन, दो रन आए हैं, एक्सलेंट बॉलिंग बाय नारायण। डेथ ओवर में जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपके पास वो कला होनी चाहिए। नारायण सटीक रन के साथ सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार महाकाली क्लब के ऊपर दबाव बनता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल दबाव तो बढ़ रहा है, बड़े स्ट्रोक खेलने का दबाव बढ़ रहा है और उसी में आउटसाइड एज जाते हुए गेंद जा रही, जब तक ये विकेट कीपर फिर एक बार वही जलवा दिखाते हुए सिर्फ एक रन। और नारायण ने क्या किया, नारायण ने आपने सही कहा, डेथ ओवर में आपके आखिरी ओवर में ऐसा गेंदबाज आपके पास होना चाहिए जो परिस्थितियों को समझे, परिस्थिति के अनुरूप आपको गेंदबाजी 36-36 रन यहाँ पे पहुंचे। नारायण ने वही काम किया है, जो काम यशवंत ने किया, जो काम जोधराज ने किया, जो काम सागर ने किया, वही काम शायद नारायण कर रहे हैं। फिर एक बार बल्लेबाज यहाँ पे गलती करते हुए आड़े बैट से खेलने की कोशिश, यहाँ पे आखिरी गेंद शेष है। आपने सोचा था 60 के पार जाएंगे, आपने सोचा था 50 के पार जाएंगे, आपकी गाड़ी तो 40 के अंदर रुकी हुई है। प्रशांत जी इसकी वजह क्या, अगर एक मेरे हिसाब से आदर्श गेंदबाजी उन्होंने की है, जो टिप्पा देखे चौथे पांचवें स्टंप की तरफ रखा, गुड स्पॉट पर गेंदबाजी की, ज्यादा मिडल लेग स्टंप पर गेंदबाजी नहीं की, यशवंत एक बार तो लगा कि लेग स्टंप के ज्यादा बाहर जाए, उसके बाद में कमार की गेंदबाजी की, तो ये गेंदबाजी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 40 के पार ज्यादा आंकड़ा नहीं जा रहा है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, दो रन मुकम्मल किए और यहां कोई खिलाड़ी नहीं है तो तीन रन तो जरूर मिलने वाले हैं। सारे खिलाड़ी एक एंड की तरफ आए, स्ट्राइकर एंड की तरफ आए, लॉन्ग स्ट्राइक एंड की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, तो ये मोती का काम था, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का काम था, थोड़ा सा रिलैक्स रहे हैं, सामने वाले को हल्का ना आके नहीं तो परेशानी। 40 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, 40 का आंकड़ा बिल्कुल आता हुआ, जीतने के लिए यहां से 40 ही चाहिए, 39 बने हैं, 40 रनों की जरूरत है, लेकिन 40 के पार नहीं वो सबसे बड़ी समस्या है। जो अब देखिए स्कोर तो बड़ा नहीं है, टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन क्या बैटल बड़ा हो जाएगा देखने वाली बात है। नाड़ा रॉयल, राजसमंद रॉयल प्लीज टॉस की तरफ आइए, टॉस होने वाला है, उसके बाद में बजरंग दल ठाणे वॉरियर्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपके सारे खिलाड़ी हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। एक बार फिर मैं राइट साइड की तरफ देख रहा हूं तो खाने की सुगंध मुझे आ रही है, अगर आपको भी आ रही है तो चलिए आप भी जा सकते हैं खाने की तरफ। आप जीत की सुगंध किसको आएगी ये तो दूसरा पड़ाव ही बताएगा। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जा रही है, आइए डीजे गाने के साथ वापस आएंगे। Say
सामने से तो सामने से कैमरा है, आप सब लोग कैमरे में, वो सामने कैमरा है, अगर रहना है तो रहिए यहाँ खड़े। चलिए एक बार फिर टॉस की तरफ जाएंगे और मुकाबला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, नाडा रॉयल्स और राजसमंद रॉयल के बीच। दोनों टीमों का एक बार फिर स्वागत करते हुए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधा टॉस बॉस की तरफ जाएंगे। टॉस का बॉस तो नाडा टॉस अपने जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। और सबसे बड़ी बात तो आज का जो दोपहर का सत्र चल रहा है, पिछले दो मुकाबले बहुत रोचक हुए हैं, अब टॉस जीतकर क्या फैसला होगा? बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग करने का फैसला लिया, तो कौन से ऐसे खिलाड़ी जो आज आपके खेमे में हैं जो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है एज ए बॉलर? बॉलर ईश्वर है और भी है, नाम इतना कुछ याद नहीं है क्योंकि साथ में खेले नहीं ना इतना। ठीक है, आपको तो आपकी जो कहानी इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू हो गई है, आप बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाएंगे? टारगेट रहेगा 60-70 रन का। 60-70 तो आप कितने बनाने का मौका देंगे? 50 के अंदर होना चाहिए। 50 के अंदर आपके पास कौन से बल्लेबाज है जो 60 रन बनाएंगे? स्टार्टम नारायण सिंह है, नवेर सिंह है और भी फतेह सिंह है। महाराष्ट्र के सारे खिलाड़ी इकट्ठा आए हैं, खेलने का मौका मिल रहा है, एक बार फिर बातें करने का मौका मिल रहा है, इस अवसर को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होता है इससे, एक मिलना जुलना होता है एक दूसरे से। ये निरंतरता के साथ होना चाहिए जिस तरह से आज यहाँ माहौल बना, तीसरा सीजन चल रहा है। ठीक है, निरंतरता से क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए, होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से, देखिए खेल तो होता रहेगा, बाकी सारी चीजें होती रहेगी, लेकिन सारे लोग महाराष्ट्र से इकट्ठा के एक बार एक प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं, इस बात को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इनके लिए एक अलग कहानी बनने वाली है आज। नाडा 11 के कप्तान थोड़ा अलग है, लेकिन इनका अंदाज जो मैदान के अंदर थोड़ा सा अलग होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन नाडा वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। नाडा रॉयल की टीम जो है तैयार है इस घमासान के लिए, दूसरी तरफ से आज राजसमंद रॉयल के जो खिलाड़ी वो भी तैयार है इस जो कि घमासान के लिए। छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर ब्रेक के साथ एक बार फिर मैदान के अंदर जाएंगे, इंटरेस्टिंग मुकाबला है। हमारे साथ तुकाराम मांगेला जुड़ने वाले हैं, ओवर टू तुकाराम मांगेला। शुक्रिया प्रशांत जी। अगले मुकाबले की तरफ चलने से पहले इस मुकाबले की तरफ चलते हैं जहां पे 40 रन बनाने हैं सागर बॉयज को। महारानी क्लब के खिलाफ आपका मुकाबला है, सलामी बल्लेबाज यहां मैदान की तरफ रुख करते हुए, और 40 रन जब आपको बनाने हैं और 6 ओवर का खेल है, 36 गेंदों में 40 रन जिस तरह से आपको बनाने हैं, और उसके लिए आपको जो गेंदबाजी करनी है, खास करके महानन क्लब के गेंदबाज, आपको गेंदबाजी सही ठिकाने, जैसे प्रशांत जी कहते हैं ना, सही ठिकाने पे गेंदबाजी करनी होगी आपको, ज्यादा से ज्यादा आपको गुडलाइन स्पॉट पे खिलाना होगा, कम रूम देना होगा, कम जगह देनी होनी चाहिए कट के लिए, पुल के लिए या बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए। और क्या अप्रोच रहेगा, किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे इस सागर बॉयज की टीम? वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई और हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत युवा सेना मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3। मैदान के अंदर बल्लेबाज तैयार है मोती सिंह और नरपत सिंह, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, एक तरफ अर्जुन, क्या सही ठिकाने में गेंदबाजी करेंगे देखने वाली बात है। पहली गेंद इस ओवर की रक्षात्मक स्ट्रोक ऑनसाइड की तरफ के देवेंद्र मातो से एक रन मुकम्मल किया, और बाउंड्री लाइन पर इतने सारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तुकाराम सर, आपके पास 80 का नहीं 40 का बैंक बैलेंस है और इतने सारे खिलाड़ी फिलहाल बाउंड्री लाइन पर है, आपको वो सिंगल बचाना चाहिए तभी जाकर वो मैच बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमेशा आप कंप्यूटर की तरफ जाते हैं ना, तो कंप्यूटर को राइट क्लिक जब करते हैं आपके पास ऑप्शन रहते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको रेगुलर इंटरवल में विकेट्स लेने होंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन है, जैसे विकेट्स लेंगे वैसा प्रेशर बढ़ेगा। हवा में गेंद, ओ ये गलती कर बैठे मिड विकेट के क्षेत्र के खिलाड़ी, गलती पेड़ कर, जब जिक्र हो रहा था कि आपको विकेट लेने हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है,
आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। अगर आप विकेट लेंगे, रेगुलर इंटरवल पे विकेट लेंगे, तो नए आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव होगा, प्रेशर होगा, शायद उस दबाव में प्रेशर में गलतियां होगी और आपके लिए जीत का रास्ता तय होगा। प्रशांत जी देखिये, मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल। उस धमाल फिल्म में डब्ल्यू ट्वेंटी के लिए 2.5 घंटा चला गया था। उतना वक्त जाएगा तो ये मैच नहीं बनने वाला है। ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए वाइट बॉल का इशारा होता बाद, अर्जुन इनका नाम है और एक बार फिर निशाना अच्छा होना चाहिए, सही ठिकाने में गेंदबाजी होगी तब जाकर फायदा होगा और फील्डिंग का स्तर भी थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे, स्कोर बना हुआ है 5 रन बगैर किसी नुकसान के, 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस गेंद को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, गेंद शॉर्ट मिड विकेट की तरफ जाते हुए गेंदबाज ने इस गेंद को उठाया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। अंपायर की तरफ से लेग बाई का इशारा होता हुआ, नाडा रॉयल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, आमंत्रित किया राजसमंद रॉयल को बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन नाडा रॉयल ने एक जो कि सवाल को सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास इनको मैंने सवाल पूछा था तुकाराम सर कि आपके पास कौन से गेंदबाज जो अच्छा काम करेंगे, तो इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। टप्पा ऑफ टाइम के बाहर गेंद को खेलते हुए पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे। इतना दूर दूर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी रखेंगे तो 2 रन तो अपने आप बनने वाले हैं, रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के। तो सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि मेरे पास ईश्वर है, वही काफी है, बाकी मुझे याद नहीं है, बाकी खिलाड़ी जो है बाद में बताएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दिया था कप्तान ने। सुंदर तरीके से गति का इस्तेमाल किया, थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मुकम्मल और 1 रन के साथ रन संख्या 9 रन। आराम से इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और कोई दबाव नहीं है इससे, जो कि परिस्थिति की अगर बात करें, इस अवसर की बात करें, विकेट के तलाश में रहना चाहिए, नहीं तो मैच नहीं बने। आपने सही कहा, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, ऊपर की बात करें तो आखिरी गेंद शेष है और 1 विकेट से बात नहीं बनने वाली है। मुझे वो एक बार फिर लग रहा है कि बिंदी बिंदी मतलब वो .ww वाली जो वेबसाइट बनेगी तब जाकर ये मैच बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि आपको रेगुलर इंटरवल में आपको विकेट्स चटकाने होंगे, विकेट्स आपको लेने होंगे, तब इस मैच के पास आप वापसी कर पाएंगे। अगली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, शरीर पे लगती हुई गेंद और ये पहले ओवर की कहानी, पहले ओवर का खेल यहाँ पे खत्म होती हुई। रन संख्या जहां पहुंची है 9, 40 बनाने थे आपको, लगभग 7 के एवरेज से आपको जाना था, 7 के औसत से आपको जाना था, वहां पे आपने 9 बनाया है। और खास बात यह है कि आपने विकेट को नहीं खोया है। सलामी बल्लेबाज मोती सिंह और नौपर सिंह दोनों बल्लेबाज एक सूझबूझ भरी बल्ले और एक जीवनदान भी मिला है, खास करके मोती सिंह जो मिड विकेट के तरफ जब गेंद गई थी और एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। और आपने सही कहा, www.com की तरह आपको 3 W ढूंढने होंगे, W आएगा तो बबलू खुश होगा। प्रशांत जी बिल्कुल, इससे यदि कि बिंदी गेंद के साथ एक बार वो माहौल बनाना होगा और इसीलिए मैं कहा कि वो .ww वाली बात बननी चाहिए मैदान के अंदर। चलिए मैदान के अंदर एक बार फिर जाएंगे, पहले ओवर में आए 9 रन और अभी फिलहाल विकेट नहीं है। एक मौका बिल्कुल दिया था अर्जुन ने लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, इसलिए अब सागर बॉयज के खेमे में थोड़ा सा अच्छा माहौल बना हुआ है। सुंदर तरीके से इंतजार किया, गेंद को बैटिंग बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा होगा और सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है डबल फिगर में 10 रन। जीतने के लिए 40 चाहिए तो अब आपके लिए 30 रनों की जरूरत है। मोती सिंह और नरपत सिंह मैदान के अंदर डटे हुए, नरपत सिंह अपने कुल मिलाकर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और मोती सिंह ने भी 4 रन बनाए हैं। ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, मिस टाइम शो गए, ये कैच, बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, 1 विकेट आता हुआ, विकेट की जरूरत थी, विकेट मिला है। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल ली थी विकेट को, खड़े खड़े ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, प्लिक करने का प्रयास किया गया तो इससे थोड़ा सा दबाव बनेगा। 1 विकेट आया, 1 से बात तो नहीं बनने वाली है लेकिन विकेट सख्त जरूरत है। जोधरा आक्रमक बल्लेबाज है, मैदान के अंदर आए हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बजरंग दल ठाणा वॉरियर्स के जो खिलाड़ी हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, 2 कॉल आपके लिए हुए हैं, ये तीसरा कॉल है, बजरंग दल ठाणा वॉरियर्स। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, प्लेलाल अपने बॉलिंग पर लक्ष्मण और स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज नरपत सिंह। फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पर, 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर और जो कि बढ़ता हुआ, तो
तो करम सर एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, रन संख्या 11, हमारा मैच की तरफ फोकस ज्यादा रहेगा उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या इस जो कि फॉर्मेट में पावर प्ले होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पावर प्ले होता तो शायद और पावर दिखाई देती इस एचआरपीएल की। पावर दिखाते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ एक बड़ा चक्का, खास करके पावर की बात की प्रशांत जी, और जोधराज सिंह ने अपनी खुद की पावर दिखाई है, खुद की क्षमता यहाँ पे दिखाई दी है और रन संख्या जा पहुंची 17-17। जेपीएल मैंने 2-3 साल से किया है, तो ये ऐसे खिलाड़ी अगर विकेट पे खड़े रहेंगे तो जल्दी मैच समाप्त करने वाले, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है छक्के चौके जड़ने के लिए। ये जोधराज सिंह मैदान के अंदर, अगली गेंद स्ट्रोक अच्छा है, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को कवर की तरफ खेलते हुए, ये एक इनका खेलने का अंदाज अलग है, बैकफुट पर जाते हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं, दूधारी तलवार बनी हुई है, ऐसा नहीं कि इसी मैच में अच्छा खेल रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जेपीएल की कहानी भी यादगार रही है इनके लिए। फिलहाल रन संख्या कुल मिलाकर 18 ऑन द बोर्ड, 18 रन बने हैं। जो टीम आई है लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ ऑफ टेप के बाहर गेंद, बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया, गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद गली के क्षेत्र की तरफ जा रही, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए 40 रनों की जरूरत है, एक विकेट बिल्कुल खोया है इस वक्त सागर बॉयज ने। उसके बाद में जोधराज सिंह मैदान के अंदर है, 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नरपत और जोधराज, ये जोड़ी कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर। मैंने पहले कहा कि ये मैच बनाने के लिए एक विकेट से बात नहीं बनने वाली है, आपको ज्यादा विकेट और एक बार फिर रेगुलर इंटरवल में विकेट लेना बहुत जरूरी है, तभी जाकर बात बनेगी। एक अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट की तरफ जाएंगे। बजरंग दल और ठाणे वॉरियर्स दोनों टीमों के कप्तानों के लिए मैं विनती कर रहा हूं, आपको लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ प्लीज बजरंग दल प्लीज आइए, क्योंकि इस वक्त ठाणे वॉरियर्स की टीम पहुंच चुकी है। बजरंग दल आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 20 फॉर ऑफ 1 विकेट से टारगेट ऑफ 40 रन। 40 रन का पीछा करते हुए जब आपने 2 ओवर में 20 रन बनाए, यानी इस मैच को आपने आसान बनाने के लिए, अब अपने जिक्र की जोधराज की, यकीनन आपने जैसे कहा ना कि धूम मचाने वाले खिलाड़ी है जोधराज सिंह, और ये अपना जलवा यहाँ पे दिखाते हुए इस मैच में दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके सागर बॉयज। एक 40 रनों का लक्ष्य था, और आपने जैसे कहा ना टोटल बड़ा नहीं है, बैटल बड़ा होने के लिए आपका जिगर बड़ा होना चाहिए, आपकी गेंदबाजी उतनी बड़ी होनी चाहिए, गेंदबाज उतने कारगर साबित होनी चाहिए। अगली गेंद फिर एक बार इसी अजीब खेल, पहले तो पीछे गए, लगा कि कट करने जाएंगे पॉइंट की तरफ, लेकिन खेलना चाहा स्क्वेयर की तरफ, ये थोड़ा अजीब स्ट्रोक लगाते हुए। बिल्कुल एक बार फिर ये शॉट सिलेक्शन कुछ अच्छा नहीं था, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, आगे आए एक बार फिर भी स्टंप स्ट्रोक है, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, कैच तो नहीं होगा, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे। कभी कभार क्या होता है आप रिलैक्स हो जाते हैं, पहले 2 ओवर में 20 रन आए, अब एक बार फिर हम मंजिल के करीब है तो लगता है कि आप आराम से अब ये जीत की तरफ जा रहे हैं, तो वो माइंडसेट बदलता है, माइंडसेट आपको नहीं बदलना है, कॉन्सेंट्रेशन उतनी चाहिए। फिलहाल स्कोर देखिए 22 रन बने हुए हैं। गेंदबाजी करने के लिए अर्जुन प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रमुख गेंदबाज का मतलब होता है तुकाराम सर विकेट लेना, बिंदी गेंदें डालना, दबाव डालना। बिल्कुल बिल्कुल, दबाव तो आपको डालना होगा, लेकिन इस तरह नहीं, दबाव तो आपके ऊपर आएगा, इस तरह से गेंदबाजी करोगे ना तो दबाव आपके ऊपर आएगा। ये और एक चक्का आता हुआ जोधराज सिंह के बैट से एक बड़ा सिक्सर, रन संख्या जा पहुंची है 28-28 से। आहिस्ते आहिस्ते नहीं, एक दमखम दिखा के ये सागर बॉयज की टीम 40 के लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई। देखिए एक बार फिर वो खाना चल रहा है, खाने की सुगंध उनको भी आ रही है, और एक बार फिर दूसरी तरफ अगर देखिए तो जीत की सुगंध भी आ रही है, बिल्कुल बहुत करीब है। और जोधराज सिंह मैदान के अंदर है तो इनका बल्ला बोल रहा है, एक जबरदस्त पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, बाहरी किनारा आवाज आई है, जोरदार अपील और विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच लिया। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होता हुआ, जोधराज का विकेट 12 रनों की जरूरत है, 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 28। जोधराज ने 2 चक्कों की मदद से एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर हटकर खेलने का प्रयास, शरीर से दूर खेले और इसके कारण ये विकेट गिरा है, बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा। एक बार फिर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, खाना चल रहा है, खाने की सुगंध यहां तक आ रही है, अगर आपको भी आ रही है तो चले एक बार फिर खाने की तरफ, खाना तैयार है मैदान के अंदर। देखिए तो मैच बहुत अच्छा है, वो भी देखना है आपको, गेंदबाजी करने के लिए अर्जुन तैयार, यशवंत है बल्लेबाज, थोड़ा अलग शॉट है बॉलर के सर के ऊपर से गेंद पीछे जाती हुई, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक रन का इजाफा।
और एक बार फिर देखिए जो पालघर की टीम वो संतुलित दिखाई दे रही है, सागर बॉयज की टीम कुछ अलग दिखाई दे रही है वो भी संतुलित दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और मजा आने वाला है। इसीलिए प्रशांत जी मैंने कहा था ये पहला पड़ाव है इस टूर्नामेंट का, इस HRPL का ये पहला पड़ाव है। जैसे दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे, दूसरे स्टेज की तरफ हम जाएंगे तो और मजा आएगा और कहानी और रोचक होती दिखाई दे। तीसरे ओवर का खेल का समाप्त, रन संख्या जहां पहुंची है 29, 29 रन और 11 रन बनाने हैं। 18 गेंदों का खेल यहां पे अभी बाकी है और 18 गेंदों में 11 रन आपके, ये एक चर्चा करते प्रशांत जी, ये तो टीम सागर बॉयज की टीम यहाँ अच्छा कर रही है, लेकिन ये 11 रन बनाने के लिए कितने गेंद लेते हैं? क्योंकि आप दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे ना तो इसी मैच के कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। इस मैच में अगर आप बड़े मार्जिन से आप जीतते हो ना या बड़े विकेट से आप जीतते हो ना तो शायद इसका कॉन्फिडेंस लेवल आपको अगले मैच के लिए काम आएगा। बिल्कुल, दो तरीके होते हैं मैच समाप्त करने के लिए, एक तो जल्दी समाप्त करना है या एक बार फिर मैच को करीब लेके समाप्त करना है। अब इनके पास क्या तरीका है, अब तो इनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर वो खुद गलती करेंगे तो एक बार फिर इस मैच से बाहर जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो परेशानी है, नॉर्मल क्रिकेट की जरूरत है, सामने वाले को हल्का ना के मैच में पलटवार भी हो सकता है, इसलिए क्या तरीका है, क्या सोच के साथ आप जाना चाहते हैं। 17 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाज तैयार, इस ओवर की अगली गेंद, ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते ना प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य कभी कभी उसको बड़ा करता है। 16 गेंदे 11 रनों की जरूरत है, एक नॉर्मल क्रिकेट खेलिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, दूसरी एंड की तरफ जाइए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं शायद। ये गेंद स्क्वायर लेग पे, ये गेंद चौका आएगा, दो गेंद होते पीछे के लिए, ये गेंद थोड़ी सी आगे खेलने की कोशिश और नतीजा वही हुआ, ये आगे खेलने की कोशिश में आपको चौका यहाँ पे मिलता हुआ, रन संख्या जा पहुंची 33 रन और 7 रन आपको यहां से बनाने होंगे। और आपने सही कहा, आप अगर गलतियां करोगे तो सामने वाले को मौका मिलेगा, आप अगर गलतियां करोगे तो सामने वाले को पलटवार करने का एक मौका मिलेगा। फिर एक बार ऑन साइड में खेलती हुई गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्ड होता पाती तब एक, लेकिन हर बार ऐसे मैच में देखा है प्रशांत जी, चमत्कार तो हुए है, बहुत हुए है, लेकिन चमत्कार बार बार नहीं होते। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन होते हैं वो कभी कभार, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते। बिल्कुल, एक बार फिर यहाँ अगर देखे तो आज अच्छा प्रदर्शन होता सागर बॉयज की तरफ से। ये पुल टॉस गेंद गति परिवर्तन करना चाहते थे, डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन का इजाफा, इस बार सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर 35 जीतने के लिए यहां से केवल 5 रनों की जरूरत है। शानदार प्रदर्शन आज सागर बॉयज की तरफ से, महाकाली क्लब के लिए थोड़ी सी समस्या रही जिस तरह से आज इन्होंने रन ही नहीं बनाए। अगर इस मंच पर जो कि दोपहर का सत्र चल रहा है तो रन आपके कम से कम 50 के पार 60 के आसपास होने चाहिए थे। अटभराट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या थ्रो करेंगे, बिल्कुल थ्रो किया था लेकिन गेंद से एक बार फिर स्टंप के ऊपर नहीं है, एक रन का इजाफा लेग ब्रेक का इशारा अंपायर की तरफ से हो रहा है, एक रन के साथ रन संख्या 36, 4 रनों की जरूरत है मैदान के अंदर यह मुकाबला जीतने के लिए। और सागर बॉयज जीत की दहलीज पर है, महाकाली क्लब हार की गगार पर है, और बहुत ही सुंदर प्रदर्शन खास करके बल्लेबाजों द्वारा। पहले प्रशंसा करनी चाहिए तुकाराम सर गेंदबाजों की, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की, ज्यादा खुलकर कहने का मौका बल्लेबाजों को नहीं दिया। शायद प्रशांत जी इस मैच की मत जीत की नींव अगर किसी ने रखी है तो गेंदबाजों ने, गेंदबाजों ने अपने लिए जगह बनाई, इसी का फायदा है ये बल्लेबाज उठाते हुए। जब आप 40 रन का पीछा कर रहे हो ना तो उतनी जोखिम नहीं उठा रहे, आपको 40 मतलब आपको 7 के एवरेज से आपको रन बनाने औसत से, तब आपको ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी और वही दिखाई दिया है। तो इस मैच अगर ये मैच सागर बॉयज जीत की तरफ बढ़ रही है तो कोई हकदार होगा तो शायद गेंदबाज होंगे। लेकिन एक बात मुझे दिखाई दे रही है, आप 3 बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सारे खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है, ये सारे खिलाड़ी बॉडी लाइन पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जैसे आप हमेशा कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर की मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपका सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए, आप अलग सोच से जाना चाहिए। इस बार गेंद को उड़ाया है, गेंद हवा में है, गेंद ओ खिलाड़ी गेंद के नीचे, और काफी देर के बाद ये सफलता मिलती हुई और ये खिलाड़ी आउट होते हुए और कुछ सागर इस बल्लेबाजी के लिए आते हुए। और आपने सही कहा, आप 3 बचा रहे हैं या 30 बचा रहे हैं? बिल्कुल जिस तरह से देख, अभी भी सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, डायरी के अंदर खिलाड़ी होने चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं,
मैदान के अंदर अगर देखें तो आप ऑफसाइड से थोड़ा खिलाड़ी मैदान के अंदर दायरे के अंदर आए हैं, धीरे धीरे मिड विकेट से खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए सागर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। तीन रनों की जरूरत है। ओवर की बात करें तो चौथा ओवर समाप्त हुआ, पांचवा ओवर प्रगति पर है और 11 गेंदों का खेल शेष है। ये बेहतर है और गेंद को गैप में खेलते हुए गेंद तेजी के साथ बाउंड की तरफ जा रही है। दो रन लिया इस बार, दो रनों का जो कि इजाफा होता हुआ। अब जीत के लिए केवल एक रन की जरूरत, दो रनों की जरूरत है। चार रन चाहे तो दो आए हैं। जीत की दहलीज पर फिलहाल सागर बॉयज की टीम कमाल का प्रदर्शन गेंदबाजों का। और तुकाराम सर आपने सही कहा, इस मैच की बात करें अगर जीत की नींव किसने रखी है तो वो गेंदबाजों ने, जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब लक्ष्मण तैयार, थोड़ा सा अजीबोगरीब शॉट है, गेंदे बहुत है, जीतने के लिए केवल दो रनों की जरूरत है। वैसे तो अगर देखें तो फॉर्मेलिटीज बाकी है, फिलहाल वो फाइनल का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर इंतजार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ सागर बॉयज जीत तो रही है, लेकिन जीत से आप आगे जो बढ़ रहे हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ना चाहिए। ये ऑन साइड पे खेलने की कोशिश थी, गेंद जाती हुई यहाँ पे विकेट के पर की तरफ, एक एक गेंद जाएगी ना बिंदी गेंद, इसका असर क्या होगा प्रशांत जी? ये आप और एक मैच खेलने वाले हैं, वहां से आप क्वालिफाई होने वाले, शायद उसका असर वहां पे होगा। बिल्कुल, इसीलिए एक एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप लीग का टूर्नामेंट खेलते हैं तो औसत भी देखा जाता है, वो एक एक गेंद भी देखी जाती है, कितने गेंदों में कितने रन। ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इनको, इस तरह से बल्लेबाजी करते मैंने कभी ज्यादा नहीं देखा है। अब सागर उनकी तरफ जा रहे हैं और इनको बताएंगे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शायद जैसे हमेशा सुनील गावस्कर जी ने जब कहा था बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच था, तीन गेंदों पे उनको दो रन बनाने थे, तब जो हाल बांग्लादेश ने किया था, एक फेबुलस स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एक ग्लैमर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एक बड़ा स्ट्रोक खेल के मैच को समाप्त करने की जो कोशिश थी ना, शायद वही कोशिश कर रहे थे यहाँ पे बल्लेबाज नरपत सिंह। और इन्होंने पहले शुरुआत अच्छी की थी, इस तरह की बल्लेबाजी हमने नहीं देखी थी। लेकिन देखिए आपने एक सही, एक छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेंदे भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार फिर औसत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे तो यह सारी चीजें मायने रखने वाली है, थोड़ा मौका विपक्षी टीम को भी मिलेगा। अब देखिए गेंदों की बात करें तो गेंदे कितनी शेष है, छह गेंदे हैं। देखिए कहा 11 गेंदे दो वाला मैच, अब छह गेंदे दो तक कर पाया है, और हमने छह गेंदे दो वाले मैच रोचक होते हुए देखा है, दो बार तीन बार बहुत इंटरेस्टिंग मैच है मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रशांत जी यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाज के ऊपर। ओ प्रेशर बढ़ता हुआ, और जैसे हमेशा कहते हैं ना क्रिकेट में जब प्रेशर बढ़ता है ना तो अनुमान दो चीजों की स्थिति बसती है, एक प्रेशर कुकर की जरूर बढ़ती है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की दक्षिण अफ्रीका टीम की भी बढ़ती है। यहाँ पे सिटी बजेगी प्रशांत जी, लेकिन देखिए सारी चीजें होनी चाहिए, तालियां बजेगी कोई परेशान नहीं है, एक बार फिर सिटी बजे कोई परेशान नहीं है, एक गाना बजेगा कोई परेशान नहीं, गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए मैदान के अंदर, वो बजेगा तो बैंड बाजा भी बजने वाला है मैदान के अंदर। सागर बॉयज के लिए सब कुछ है, इनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है, लेकिन गेंदे पांच बजी में दो रनों की जरूरत है, इन्होंने थोड़ी मदद की है। और इसी के साथ यह मुकाबला समाप्त हुआ, सागर ने अच्छा किया और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए, और इस मैच में यह मुकाबला सागर बॉयज ने जीतते हुए एक पहली जीत, बड़े मार्जिन से होनी चाहिए थी, बड़े मार्जिन से नहीं आए, चार गेंदे बची है, कम से कम वो दो ओवर बचा सकते थे, लेकिन कुछ अजीबोगरीब शॉट मैंने नरपत की तरफ से देखे, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा सागर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। और अब जाकर मैं सागर बॉयज के कप्तान को बुलाना चाहता हूं, प्लीज आइए। नाना रॉयल्स, अपन नाना रॉयल्स के जो खिलाड़ी